बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट मैट्रिक इंटर का एग्जाम देने वाले हैं 2021 में, उन सभी स्टूडेंट का परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज है जहां पर आप लोग को गलती किया गया, जिनके वजह से लाखों स्टूडेंट एग्जाम से वंचित हो सकते हैं। तो आखिर क्या आप लोग को स्कूल और कॉलेज से गलती किया गया जिनके वजह से लाखों स्टूडेंट एग्जाम से बाहर हो सकते हैं? तो इस वीडियो में जो भी स्टूडेंट एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर जो भी स्टूडेंट पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया है कि बोर्ड की मान्यता नहीं फिर भी भरवाया गया मैट्रिक का फॉर्म। यानी बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज है जहाँ पर बोर्ड की ओर से मान्यता को रद्द कर दिया गया है, इसके बावजूद भी उनने वहाँ से आप लोग को परीक्षा फॉर्म को भरवा दिया गया है। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज है, तो वो क्या कौन स्कूल और कॉलेज है जहाँ से परीक्षा फॉर्म भरवाया गया, बोर्ड ने उन स्कूल कॉलेज को मान्यता रद्द किया गया है, बोर्ड ने आप लोग को सूची जारी कर दिया गया है। तो आप भी देख सकते हैं कि क्या आप भी वहाँ से आप लोग को एडमिशन है या वहाँ से परीक्षा फॉर्म भरवाए हैं तो आपको दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया गया कि बोर्ड ने प्रदेश में 5 ऐसे स्कूल को पकड़ा है जिनका मान्यता बोर्ड ने रद्द की थी, लेकिन इस स्कूल ने मैट्रिक 2021 के परीक्षार्थी को परीक्षा फॉर्म भरवाया है। इससे रजिस्ट्रेशन भी इन स्कूल से वैसे पैसा लेकर छात्रों को करवाया गया है। यानी आप लोग को 5 प्रदेश में पूरे आप लोग को पकड़ा गया है, 5 ऐसे स्कूल है जहां पर आप लोग को मान्यता बोर्ड की ओर से रद्द कर दिया गया है, वहां से इसके बावजूद भी पैसा लेकर स्टूडेंट को रजिस्ट्रेशन और परीक्षा फॉर्म भरवा दिया गया है। तो आखिर किन किन स्टूडेंट का आप लोग को परीक्षा फॉर्म भरवाया गया और कौन सा ऐसा स्कूल है जहां पर आप लोग को ये काम किया गया है, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, सारा स्कूल कॉलेज का आप लोग को मैं बताने वाला हूं। तो यहां पर देख सकते हैं आप लोग को बताया कि बोर्ड ने मानो तो जहां 1572 छात्रों को परीक्षा फॉर्म भरवाया गया है, वहीं से 1500 आप लोग देख सकते हैं 1535 छात्रों एवं छात्राओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है। बोर्ड ने संज्ञा में यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आप लोग को नोटिस कीजिए कि जहाँ पर आप लोग को रजिस्ट्रेशन की आप लोग को हम बात कर लेते हैं तो 1535 छात्र का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन उसी स्कूल से आप लोग को देख सकते हैं 1572 छात्रों का परीक्षा फॉर्म भरवाया गया है। लेकिन यह फ्रॉड है, आप लोग को देख सकते हैं बताया गया है कि आप लोग को रजिस्ट्रेशन हुआ 1535 स्टूडेंट का, 1572 स्टूडेंट का परीक्षा फॉर्म भरवाया गया है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को बताया है कि बोर्ड ने आने के बाद बोर्ड ने इन छात्रों को पास मान्यता प्राप्त स्कूल से परीक्षा दिलवाएगा। यानी बोर्ड जहां से आप लोग को परीक्षा जो स्कूल और कॉलेज जहां पर मान्यता रद्द किया गया वहां से अगर आपका परीक्षा फॉर्म भरवा दिया गया है तो बोर्ड ने वैसे से आप लोग को मान्यता प्राप्त जहां से स्कूल है वहां से आप लोग को एग्जाम दिलवाएगा। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं बताया कि इन स्कूल में परीक्षा दिलवाने के लिए इन छात्रों को ई प्रमाण पत्र जमा करना होगा। जिला शिक्षा पदाधिकारी के अनुशासन के बाद बोर्ड ने इन छात्रों को मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने का निर्देश दिया है, अनुमति दे दिया गया है। यानी मैं आप लोग को बात कर लेता हूं कि जो भी स्टूडेंट अगर ऐसा गलती किए हैं कि अगर आप लोग को जिस स्कूल कॉलेज से देख सकते हैं आप लोग अगर भरवा दिए हैं तो बोर्ड ने जहां से मान्यता प्राप्त स्कूल है वहां से आप लोग को एग्जाम देने की अनुमति दे दी गई है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं उन स्कूल और कॉलेज को जिनका मान्यता रद्द किया गया है और वहाँ से आप लोग को परीक्षा का फॉर्म को फिलअप करवाया गया है। तो यहाँ पर फर्स्ट में आप लोग को देख सकते हैं बताया गया जो परीक्षा में शामिल हुआ है वो 5 विद्यालय का नाम यहाँ पर आप लोग को बताया गया, विद्यालय +2 पब्लिक स्कूल संध्या आरा का है जिससे 180 स्टूडेंट वहां से परीक्षा फॉर्म भी भरे हैं। साथ ही साथ देख सकते हैं यहां पर बताया गया दूसरा में जो सेकंड में बताया गया है अमरनाथ मिश्रा विद्यालय बक्सर से है। वही आप लोग को चौथा की बात किया जाए तो देख सकते हैं आपको BD सीनियर स्कूल इटाडी बक्सर से है। साथ ही साथ आप लोग को जहाँ से 13 स्टूडेंट का फॉर्म को फिलअप करवाया गया है और देख सकते हैं रंजीता इंटर कॉलेज घोसी से किया गया है और जहानाबाद से भी यहाँ पर आप लोग को किया गया है। ये आप लोग लिस्ट देख सकते हैं, यहाँ से आप लोग को ऐसे स्कूल है जहाँ पर अब उनका मान्यता रद्द कर दिया। तो देख सकते हैं क्या आप भी इसी स्कूल या कॉलेज से आप लोग को परीक्षा फॉर्म भरवाए हैं तो ये लिस्ट को आप लोग चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर देख लेते हैं। तो ये छोटा सा नोटिफिकेशन था सभी स्टूडेंट के लिए, जान लेना बेहद ही जरूरी था। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जान सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस चैनल पर आप लोग को 10th और 12th का बहुत जल्द यहाँ पर तैयारी स्टार्ट कर दी गई है, जहाँ से अगर आप लोग एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले घंटी को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।